हेलो दोस्तों, मेगा मॉन के एक और नए वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर अपन जाने वाले हैं अपने बैकपैक में और चेक करेंगे कि मेरे बैकपैक में क्या क्या है। जब से ये गेम खेलना चालू किया हूँ अभी तक मेरे बैकपैक में देखा नहीं क्या क्या है, तो अपन जाएंगे और अपना बैकपैक पूरा चेक करेंगे। तो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो पहले तो अपने को $25 मिल रहा है, सब सेलेबल आइटम्स है। डॉलर नहीं के, ओके। फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, ओके। एस पोकेमॉन का सिलेक्शन है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन सा एस पोकेमॉन चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हेराक्रॉस तो मेरा फेवरेट है, तो अपन हेराक्रॉस लेंगे। वो जो सपने में उसको मारा था, सपने में जाग के डाक रहा है, वो वाला बहुत मस्त था, तो अपन हेराक्रॉस ले लेंगे। फिर अगला क्या डिब्बा है, ओके, ये भी है कुछ नॉर्मल शार्ड मिलने वाला डिब्बा है, ये भी ले लिए, ओके। फिर ये क्या है, समर पर एक बाल्टी की दिख रही है, ओके, तो भी ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर से श्राड और थोड़े पैसे वैसे निकले, 100 के निकले, ओके, सही, नाइस। फिर ये क्या है, ओके, तो अपन इसमें से 70 शार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे पोकेमॉन सिलेक्ट किया कौन से पोकेमॉन का शार्ट चाहिए, और यहाँ पे देखो ये हरा वाला पोकेमॉन है जो मेरे को बहुत मस्त लगा, तो अपन इसके 50 शार्ट में कम पोकेमॉन होगा, तो 50 शार्ट अपन इसका ले लेते हैं। अरे यार बैक हो गया, तो अपन इसको वापस 50 शार्ट अपना सिलेक्ट है, 50 शार्ट इसको ले लेते हैं। और भाई इसको अपन करेंगे, मस्त पोकेमॉन है ये, इसको अपन ले लेते जल्दी से। अरे यार गलती से मैंने बैक करके किया, तो वो लाटियास पे चलेगा, मेरे को लगा सिलेक्ट रहेगा, पूरा वेस्ट हो गया मेरा भाई, वीडियो की स्टार्ट ही बर्बाद हो गई मेरी भाई। इतना मस्त पोकेमॉन था, सोचा उसका ले लूँगा 70 बिना मतलब लाटियास मिल गया। मेरे हिसाब से मेरे पास लाटियास पहले से थे, या फिर लाटियास के शार्ट अच्छे खासे थे। लाटियास पोकेमॉन नहीं चाहिए था मेरे को, लाटियास एक पोकेमॉन था उसमें से जो मेरे को नहीं चाहिए था, पर कोई नहीं। बाकी चीज़ों को भी ओपन करके देख लेते क्या क्या है यहाँ पे। भाई इतना सारा है, ये भी देख लेते हो भाई, दो सौ मिला सब कुछ, सब बहुत सारे बॉक्स है इधर पर हेल्थ आइटम के और आइटम्स के अलग अलग चीज़ों के। तो यहाँ पे तो पता नहीं क्या है, ब्लू मिला है बहुत सारा, सही, ग्रीन ब्लू रेड हेल्थ आइटम का क्रेस्ट, ओके। इसके अंदर से लहसुन भी मिला है मेरे को, ओके, एक लहसुन मिल चुका है। फिर ये क्या है, एडवांस फ्रेंडशिप बॉक्स, इसमें क्या आने वाला है, फलों की टोकरी, खाने पीने का केक, पार्टी का सामान, इंटरमीडिएट फ्रेंडशिप बॉक्स, ओके, एडवांस इंटरमीडिएट, इसके बाद क्या आएगा, नॉर्मल, इजी। इसमें भी बर्गर मिला है, कॉफ़ी मिली है, ओके, बिगिनर मिला, ओके, बिगिनर बॉक्स में क्या मिला है, सेव गरीबों की पार्टी है, ओके, तो ये भी मिल गया अपने गरीबों की पार्टी से। फिर की है, पर ये कीज वो अपना नॉर्मल वाला वो ओपन होता है हमारे में, ये भी मालूम है। फिर ये क्या है, अच्छा ये तो वो है ना, इसको जाके देख लेते, थोड़ा सा एक यूज़ कर लेते, ये वाला फ्री यूज़ करने से फ्री सामान होता है, फ्री यूज़ कर लेते एक अपना डेली वाला। और फिर यूज़ क्या, यहाँ पे बता रहा है 5 करने से एपिक भी मिलेगा, तो अपन 5 भी कर लेते, अपन 5 ये कर लिए, हो जा, देखते क्या एपिक निकला है, क्या एपिक निकला है, ओके। दो ऊपर दिख रहा है वो ब्लू वाला, और जो एक हाथ दिख रहा है वो दोनों एपिक है, क्योंकि लोग हाथ वो चमक रहा है इसकी वजह से एपिक है। फिर बाकी यहाँ पे स्टारअप वाली चीज़ है, तो अपन पोकेमॉन को थोड़ा अपना स्टारअप कर लेंगे, क्योंकि स्टारअप वाली बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी है, पोकेमॉन का लेवल अप हो चुका है, तो अपन वो सब कर लेंगे। और अपनी टीम भी बदलना है, तो अपन टीम बदल लेते, तो मेरे को थोड़े दिन पहले एंटाई पोकेमॉन मिला था इस गेम के अंदर, देखो यहाँ पे न्यू बता रहे हैं, तो अपन एंटाई लेंगे। और देखो यहाँ पे घटिया पोकेमॉन लाटियास मिला है मेरे को, बताओ कमेंट में लाटिया अच्छा पोकेमॉन है कि नहीं इस गेम के अंदर, क्योंकि मेरे को तो नहीं पसंद है। फिर ये वाला पोकेमॉन, पर इसका मैंने पहले डबल वाला इवेंट आया था, मैं उसको देखना भूल गया, मेरे को मैंने पहले पोकेमॉन नहीं मिल पाया, मैं टॉप 6 में था, थोड़ा सा और कर लेता तो मैं आ जाता, पर नहीं कर पाया। फिर अपना यहाँ पे एंटा है, एंटा को अपन अच्छा खासा लेवल अप करेंगे, जिसको अपनी टीम में रखना है एंटा को, एंटा को रखने के लिए कोई दूसरा पोकेमॉन अपन हटा देंगे, तो इसको जितने भी हल्का फुल्का हेल्थ आइटम हो सकते हैं मैं उसको देता हूँ, और इसको अच्छा खासा मैं लेवल अप कर देता हूँ। यहाँ पे इसको लगा दिया, इसको पावर अप कर दिया थोड़ा सा, फिर ये क्या है, बस ठीक है, इसको और पावर किया हूँ मैंने, अच्छा खासा पावर किया हूँ, टीम में ला रहा है, XCP कर दिया हूँ। फिर अपने पास सुईकून भी है एंटाई का ठंडा भाई, सुईकून को भी अपन अच्छा खासा लेवल अप कर देते हैं, सुईकून को भी अपन अपनी टीम में रखने वाले, क्योंकि दोनों तो थोड़े लेजेंडरी पोकेमॉन है, जितने लेजेंडरी पोकेमॉन मिलते रहेंगे अपन उसके हिसाब से अपने पोकेमॉन को चेंज करते रहेंगे अपनी टीम को, या फिर एक्स्ट्रा टीम बना लेंगे देखते, पर जो भी फिलहाल तो है नहीं कि एक्स्ट्रा टीम बनाए। अपग्रेड करने के लिए कुछ मिल नहीं जाता मेरे को, तो यहाँ पर क्रश वाला ऑप्शन आया, जिससे मेरे को चीज़ें मिल चुकी है, जिससे मेरा सुईकून अपग्रेड हो सकता है, तो सुईकून का अपन अपग्रेड कर लिया मस्त वाला। अब आ जाते हैं अपने XCV को, तो अपन XCV को इवॉल्व करने वाले, तो अपन देखेंगे XCV को इवॉल्व करने के क्या क्या चाहिए अपने को, जो जो लगेगा वो सब अपन चीज़ लेंगे, और अपने XCV पोकेमॉन को अपन इवॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसका लेवल अप कर लेते हैं, लेवल 1 ही है इसका खाली, अभी थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है। फिर यहाँ पे मेरे पास 40 है ना, तो थोड़ा सा इसको भी अपग्रेड कर लेते, सेव कर लेते। फिर यहाँ पे और क्या क्या है, इफर्ट वैल्यू बता रहा है, उसको भी करने गए, फिर देखो ये थोड़ा सा अप हो गया, अच्छा हो गया। फिर यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, ओके, इसका भी ये भी थोड़ा अप कर लेते हैं अच्छे से, थोड़ा इसको इंक्रीज कर लेते हैं। फिर इसको अपन इवॉल्व करने जाएंगे, तो अपन आ गए इवॉल्व के अंदर, यहाँ पर दोनों चेक मार्क ठीक है, जो जो इसकी रिक्वायरमेंट है इवॉल्व होने के लिए, तो अब अपन इसको कर रहे हैं इवॉल्व। तो अपना XCV इवॉल्व होने वाला है, एग्जिट ऑल में मेरे हिसाब से
जूटो शायद बड़े वाले का नाम पता नहीं जो भी है, तो अपन इसको इवॉल्व करने वाले ये वाले पोकेमोन है। दिखने में थोड़ा सा डायनासोर का बटाने का कीड़ा ही है, अजीब दे दिखने में, एक्सी बहुत अच्छा दिखता है और मेन फॉर्म बहुत डराना दिखता है, पर बीच वाला थोड़ा मतलब ठीक है, मिडल ही है, मतलब बीच वाले तो दोनों के जैसे दिख रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो सही है। ये पोकेमोन को अपने इवॉल्व कर लिया, बाकी पोकेमोन नॉर्मल है तो उन लोगों को इवॉल्व करके अपना कुछ फायदा वायदा है नहीं। अब आ जाते इधर, अच्छे खासा इवेंट है जिसमें से अपने को रिवॉर्ड मिलने वाला है। पहले तो ये ऊपर एक क्लेमेबल देने वाला है अपने को, गेम चालू करने के 10 मिनट बाद टाइम, 10 मिनट या फिर 5-4 मिनट ऐसा कुछ टाइम होता है, जिसके बाद ये क्लेमेबल देना चालू कर देते हैं। इन गेम में रहना पड़ता है सीधे, डेली लॉगिन वाला रिवॉर्ड भी अपन कलेक्ट कर लेते हैं। 2-3 पड़ा है, अपन बैटल भी करेंगे, एक बैटल भी कर लेते हैं अपन जाके, क्योंकि अपन ने टीम चेंज किए तो एक बैटल तो बनती है। पहले तो आप सब कुछ रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन एक बैटल भी करेंगे। दोस्तों को मैंने एनर्जी भेज दिया, एनर्जी ले लिया, रिवॉर्ड कलेक्ट कर लिया सब जगह से। फिर अब इसके बाद अपन जाएंगे बैटल करने और देखेंगे अपने न्यू पोकेमोन के अटैक कैसे और लोग का एनिमेशन कैसे, क्योंकि इस गेम के अंदर का एनिमेशन है जिसकी वजह से मैं ये गेम खेल रहा हूँ। और अपन इसके अंदर से एकदम हार्ड मोड में जाएंगे ताकि बैटल अच्छी हो। और यहाँ पे देखो एंटायर टीम में है, सुकून टीम में, एग्जीक्यूटिव टीम में है, और पीछे सीजर, ड्रैगन, गेंगार और कोई तो पोकेमोन और था, और कौन सा पोकेमोन था, म्यू था। तो यहाँ पे अपनी टीम आ चुकी है, यहाँ पे अपने को देखना है मेन अटैक। ऑटोमेटिक अपने होने दूंगा मैं इधर पे, क्योंकि मेरे को कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक होगा। एनिमेशन देखना है मेरे को खाली, तो अपना साइथर, साइथर को तो अपने को मालूम है नॉर्मल कट यूज़ करता है। कोई जिंदा इसने मुक्का मारो उससे, एंटायर इसका काम था आपका जहाँ सेकंड राउंड आ चुका है। गेंगार दिया मेन अटैक, नॉर्मली पोकेमोन इसके मेन अटैक से मर जाते, पहले लोग नहीं मरे क्योंकि लोग स्ट्रॉन्ग है। म्यू देगा मेन अटैक अपना, म्यू देखते क्या करने वाली है अपना यूनिवर्सल अटैक एकदम। और ये देखो भाई अपना एग्जीक्यूटिव वाला पोकेमोन, अजीब सा रन किया इसने कुछ ज़्यादा कुछ, इसका मेन अटैक इतना कुछ खास नहीं था, मे बी इवॉल्व होने के बाद इसकी मेन अटैक को अच्छा खासा इवॉल्व कर दिया जाएगा। और ये सीजर का देख लेते हैं, ओ भाई सीजर ने मुक्का मारा, सीजर ने अपने छोटे भाई को मार रहा भाई, सीजर उसे साइथल हो गया। देखो मस्त कट वाला यूज़ किया इसने, गैंगार ने गैच यूज़ किया, अब यहाँ पे अपना एंटा यूज़ कर रहा है मेन अटैक। पहाड़ निकल गया, पहाड़ में से लावा निकल गया एकदम खतरनाक वाला, सब जगह से और लावा के बहुत सारे बॉल फेंक के इसने मारा अपने को एकदम खतरनाक। सिंगल अटैक वाला है भाई, बहुत मस्त है, डबल अटैक है क्या, पीछे हाथ वाला पोकेमोन भी जाता है। तो भाई ये मस्त अटैक था, टीम इन लोग की अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग टीम है। साइथर वापस अपना मेन अटैक करते हुए, साइथर ओके, सीजर जिंदा है, सीजर जिंदा है। सुकून का मेन अटैक अपन ने देखे नहीं अभी तक, ओके तो सुकून का मेन अटैक भी आ गया। सुकून भाई स्लो स्लो चल रहा है, उसकी ब्लू सी आँख ले गए और भाई बहुत खतरनाक वाली लहर आ चुकी है सुकून जिसके ऊपर सर्व कर रहा है, और ये सारी लहर जाके डुबा दी सीजर को। भाई सीजर को भी अपन ने मसाला अटैक कर दिए, मजा आ गया। इस पर सीजर अभी भी जिंदा है, सीजर का अच्छा खासा हेल्थ है, इसको अपन चाट लिया और उसका काम तमाम कर दिया। इसको अपने डिफीट कर देते रहती है भाई अपनी करंटली ये टीम है मेरी, तुम्हें कमेंट में बताओ टीम मेरी सही है कि बेकार है। तो इस वीडियो के लिए इतने दोस्तों, वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।